गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक वर्सेज डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेज। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो इसमें खूब सारे पेजेज होते हैं, होम पेज से लेके अलग अलग पेजेस होते हैं। तो रिलेटेड वेब पेजेस का एक बंडल होता है वेबसाइट, जिसमें 50, 100 कितने भी पेज हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। तो एक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती है, ऑडियो होता है, वीडियो, ये चीज़ें होती है। इनके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। जो वेबसाइट का पहला पेज जब हम ओपन करते हैं तो पहला पेज जो बाय डिफॉल्ट खुलता है अपने आप, उसको हम होम पेज बोलते हैं। जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो, facebook.com, तो जो पहला पेज खुलेगा वो होता है होम पेज। उसके बाद में आप क्लिक करके दूसरे पेजेस पर जा सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स लिस्ट देख सकते हैं, आपका प्रोफाइल देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के प्रोफाइल पर जा सकते हैं। तो वो सब क्या है, दूसरे पेजेस हैं और वो सब मिलके फेसबुक बनता है, एक वेबसाइट बनती है। ईच वेबसाइट हैज़ स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस URL दैट वी नीड टू एंटर इन आवर ब्राउजर टू एक्सेस अ वेबसाइट। तो अब वेबसाइट आपको ओपन करनी है ब्राउजर में, तो उस वेबसाइट का एड्रेस हमें पता होना ज़रूरी है। उस एड्रेस को हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे आपका आधार कार्ड है वो यूनिक है, वैसे ये एड्रेस यूनिक होता है। अब जब ईमेल आईडी बनाते हो आप, तब आपने देखा होगा उसमें अगर आपने जो एंटर किया है नेम, वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप उस नाम से नहीं बना पाओगे। आपकी जो ईमेल आईडी है वो यूनिक होना ज़रूरी है। अब यूनिक होना क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए facebook.com नाम से दो वेबसाइट्स है और आपने ब्राउज़र में टाइप किया facebook.com, तो कौन सी वेबसाइट खुलेगी, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए वो यूनिक होना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में या डेटाबेस में कहीं पर भी देखते हैं जब हम बोलते हैं कि यूनिक होना ज़रूरी है, आप सेम नेम के दो आइटम नहीं बना सकते हैं, तो वो दिक्कत वही होती है कि वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यूनिक होना ज़रूरी है वेबसाइट का एड्रेस। अब वेबसाइट का एड्रेस वैसे तो IP एड्रेस होता है, वो भी यूनिक ही होता है, लेकिन IP एड्रेस हमें याद रखने में बहुत मुश्किल होता है। जबकि हम उसका वेबसाइट का नाम वो याद रख सकते हैं, facebook.com, google.com, yahoo.com, खूब सारी वेबसाइट्स के नाम याद रख सकते हैं, लेकिन वो नंबर होता है IP एड्रेस में, वो हम याद नहीं रह सकते। तो इसको आसान बनाने के लिए URL बना दिया गया, सबको नेम दे दिए गए, लेकिन जब वेबसाइट तक पहुंचते हैं हम सर्वर तक, तो URL है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है IP एड्रेस में, क्योंकि उस सर्वर पर जहाँ पर है वेबसाइट उसका IP एड्रेस है, नेटवर्क है उसको सर्च करेगा IP एड्रेस से ही। एक वेबसाइट दो प्रकार की हो सकती है, स्टैटिक वेबसाइट हो सकती है और डायनामिक वेबसाइट हो सकती है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट में एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है, और क्लाइंट मशीन पर ब्राउज़र में वो वेबसाइट ओपन होती है। तो यहाँ पर मेनली दो ही पार्टीज़ हैं, सर्वर है और क्लाइंट है। स्टैटिक वेबसाइट है वो सबसे बेसिक प्रकार की वेबसाइट होती है, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है। हमें स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए
वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस डिजाइन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको कोई स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी है, कोई डेटाबेस डिजाइन नहीं सीखना है, आपको सिर्फ आना चाहिए HTML, वो भी ज़्यादा नहीं लिमिटेड, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट आप डालेंगे वो तो जो कंटेंट रहेगा आपकी इमेज रहेगी, वीडियो रहेगा या टेक्स्ट रहेंगे, उसमें प्रोग्रामिंग का कोई लेन देना नहीं है। तो HTML, और HTML बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आप सीख सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, आसान है तो टाइम भी कम लग रहा है, ज़्यादा सीखने के लिए एक्सपर्ट लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ी टीम की भी ज़रूरत नहीं है, तो सस्ती भी होती है बहुत। इसके पेज हैं वो HTML में बनाए जाते हैं। प्रत्येक पेज के लिए कोड निर्धारित होता है, कोड फिक्स होता है, इसलिए पेज में निहित जानकारी है उनको बदल नहीं सकते, और ये एक तरह से प्रिंटेड पेज की तरह दिखता है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक, तो हमने एक बार जब प्रोग्रामिंग की HTML में और उसमें जो इमेज हमने लगा दी, टेक्स्ट जो लगा दिया, वीडियो जो लगा दिया, वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जब तक कि हम HTML में जाके कोडिंग में चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब स्टैटिक है वो हमेशा एक जैसी दिखेगी, आप जब भी उसको ओपन करोगे वेबसाइट को वो हर बार वैसी ही दिखेगी। अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो वेबसाइट का जो हमारा प्रोजेक्ट है डेवलप किया हुआ, वहाँ HTML फाइल्स में जाके चेंज करना पड़ता है, तो उसमें चेंज करना मुश्किल होता है। अब स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी बनाते हैं? जैसे नॉर्मली कोई स्कूल है, कॉलेज है, या कोई छोटी कंपनी है ऐसी, जिनको सिर्फ अपनी डिटेल्स हैं वो दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट बनानी है। इसमें क्या होता है, यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पाता, यूजर सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दिखाई हुई है उसको रीड कर सकता है, यूजर कोई इनपुट नहीं देख सकता है, यूजर कोई इनपुट नहीं दे सकता, मतलब सर्वर से क्लाइंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्लाइंट से सर्वर के ऊपर यूजर कुछ भी नहीं भेज सकता, क्योंकि यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं, जो आपने वेबसाइट में दिखाया है सिर्फ उसको देख सकता है यूजर। ठीक है, इसका मैं लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की वेबसाइट्स होती है। दूसरा टाइप होता है डायनामिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट, तो स्टैटिक वेबसाइट में हमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ दो पार्टीज थी, सर्वर और क्लाइंट, लेकिन डायनेमिक में यहाँ तीन पार्टीज हो गई, बीच में डेटाबेस भी आ गया। तो डायनेमिक वेबसाइट्स, ये भी क्या होता है, वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है जिसकी जो कंटेंट होता है वो डायनेमिक होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डायनेमिक का मतलब गतिशील, बदलते रहने वाला। यह डेटाबेस या सामग्री प्रबंधन प्रणाली से सामग्री तक पहुंचता है। तो या तो ये क्या होता है, डेटाबेस से कंटेंट लेता है, या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS से कंटेंट लेता है। इसलिए जब हम डेटाबेस की सामग्री को बदलते हैं या अपडेट करते हैं तो वेबसाइट की सामग्री भी बदल जाती है, अपडेट हो जाती है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, डेटाबेस का जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई करेंगे तो हमारी वेबसाइट है उसका कंटेंट भी मॉडिफाई हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा फेसबुक पर आपके मान लो 5 फ्रेंड्स हैं और आपने 5 रिक्वेस्ट और भेज दी, तो 5 पहले 5 थे तब तक आपका जो पेज दिख रहा था उस पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी कि किसने लाइक किया है, शेयर किया है, वो उन 5 फ्रेंड्स की थी, लेकिन 5 को रिक्वेस्ट भेज दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो अब आपके 10 फ्रेंड्स हो गए, तो 10 में से कौन क्या लाइक कर रहा है, कौन क्या शेयर कर रहा है, तो वो आ रहा है, तो वो कंटेंट है वो चेंज हो गया है, वो डेटाबेस में कंटेंट चेंज हुआ है, क्योंकि आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में 10 फ्रेंड्स आ गए,
तो इसका मतलब कुछ भी अगर आपको वेब पेज पर शो होगा वहाँ पर तो उन 10 के बारे में होगा। तो जैसे डेटाबेस में चेंज हुआ, आपको जो जीयूआई जो दिख रहा है स्क्रीन पर उसमें भी चेंज हो जाता है। डायनेमिक वेबसाइट है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, या फिर डायनेमिक कंटेंट जनरेट के लिए करने के लिए दोनों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्लाइंट कंप्यूटर पर रन होती है। इसमें यूजर का जो इनपुट होता है उसके आधार पर सामग्री जनरेट की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो कोड रन होगा, स्टेटिक में क्या हो रहा था, सर्वर ने HTML फाइल भेज दी क्लाइंट के पास में और क्लाइंट ने उसको देख लिया। अब डायनेमिक में क्या है, दो तरीके हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड में क्या होता है, HTML के साथ साथ सर्वर कुछ ऐसी फाइल्स भी भेजेगा जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होगी और वो क्लाइंट की मशीन पर रन होगी। वेब ब्राउज़र सर्वर से वेब पेज को डाउनलोड करता है और उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करने के लिए पेज के भीतर कोड को संसाधित करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेब ब्राउज़र है वो वेब पेज से डाउनलोड करेगा पेजेज को और उनको प्रोसेस करेगा कोड को क्लाइंट मशीन पर ही। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जावा में हमने पढ़ा था एप्लेट। तो एप्लेट किसका एग्जांपल है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि वो क्लाइंट की मशीन पर जाके रन हो रहा था। सर्वर ने क्या किया, HTML फाइल के साथ में एप्लेट फाइल को भी भेज दिया क्लाइंट मशीन पर। अब क्लाइंट मशीन पर जाके ही वो रन हो रहा है, सर्वलेट हो रहा था सर्वर पर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। अब ऐसे ही PHP में हम करेंगे तो PHP में जावा स्क्रिप्ट रन होता है क्लाइंट मशीन पर और PHP है वो रन होता है सर्वर पर। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, यूजर इनपुट देता है और उसका रेस्पॉन्स जनरेट करता है सर्वर। तो यूजर का इनपुट है वो नेटवर्क के थ्रू सर्वर तक पहुंचेगा, उस सर्वर उसका रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और सर्वर से रेस्पॉन्स वापस नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट पर आएगा। तो एक तो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बढ़ा रहा है वो, दूसरा हमारे जो डेटा है इंटरनेट के वो यूज हो रहे हैं तो हमारा इंटरनेट का बिल बढ़ रहा है, तीसरा रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पर जाएगी और फिर वापस रेस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट पर आएगा तो उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो ये कितनी सारी चीज़ें हो रही है, प्लस अगर बीच में कोई हैकिंग का खतरा है वो अलग से है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं इसके। लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ने इन सबको सॉल्व कर दिया। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जैसे एग्जांपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का कोड क्लाइंट की मशीन पर आ गया। अब क्लाइंट ने इनपुट दिया और क्लाइंट मशीन पर ही ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट ने उसको रेस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। तो इससे कितने फ़ायदे हो गए, हमारे डेटा बच गए मतलब मनी बच गई, हैकिंग का खतरा टल गया, नेटवर्क पर ट्रैफिक कम हो गया, हमारा टाइम बच गया। तो बहुत सारे इससे फ़ायदे हो गए हमें। इसको जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करेंगे तो और डिटेल में इसको देखेंगे। दूसरा जो तरीका होता है डायनेमिक वेबसाइट बनाने का वो होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसमें सॉफ्टवेयर जो चलता है वो सर्वर पर चलता है और सर्वर पर ही प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में क्लाइंट को प्लेन पेजेज के अंदर उसका रेस्पॉन्स भेज देते हैं।
रो प्लेन पेजेस किस में होते हैं? एचटीएमएल में। तो क्लाइंट मशीन पर जो रेस्पॉन्स आता है वो याद रखना हमेशा एचटीएमएल पेजेस आते हैं, ठीक है। या फिर अगर जावास्क्रिप्ट यूज किया तो जावास्क्रिप्ट भी आ सकती है साथ में। कभी भी पीएचपी का कोड क्लाइंट मशीन पर नहीं आएगा, ये याद रखना आपको। एक टेबल के थ्रू हम शॉर्ट में देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। स्टैटिक वेबसाइट प्री बिल्ड कंटेंट इज सेम एवरी टाइम द पेज इज लोडेड। तो इसमें जितनी भी बार आप वेबसाइट को ओपन करोगे उसमें कंटेंट आपको सेम ही मिलेगा। डायनेमिक कंटेंट इज जनरेटेड क्विकली एंड चेंजेज रेगुलरली, इसमें रेगुलरली चेंज होता है। जैसे इसमें डायनेमिक में मैं आपको कॉलेज की वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा, उसमें वही कंटेंट है जो 6 महीने पहले था वही, ठीक है। अब उसमें अगर कुछ चेंजेज हुआ है तो उसमें जाके प्रोग्रामर ने कोडिंग में चेंज किया है तब जाके चेंज हुआ है, तो उसमें काफ़ी लंबे टाइम से कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी अगर ज़रूरत होती है तो प्रोग्रामर उसको करता है। लेकिन डायनेमिक में डायनेमिकली अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा शेयर मार्केट की जैसे कोई वेबसाइट है तो उसमें शेयर्स के जो भाव हैं वो हर सेकंड में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो हर सेकंड में चेंज होता है डायनेमिकली। अब उसको कोई इंसान नहीं कर रहा है चेंज, वो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, वो डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, तो वहाँ भी चेंज हो रहा है। स्टैटिक वेबसाइट्स में एचटीएमएल कोड यूज किया जाता है डेवलप करने के लिए, और डायनेमिक के अंदर सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे पीएचपी, सर्वलेट, जेएसपी, ASP.NET इस तरह की लैंग्वेजेस काम में लेते हैं। यहाँ पीएचपी होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, सर्वलेट जो हम जावा में पढ़ते हैं, जेएसपी जावा सर्वर पेजेज होते हैं, और ASP एक्टिव सर्वर पेजेज ये .NET में होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में आप जितनी भी बार रिक्वेस्ट करोगे हर बार रेस्पॉन्स है वो सेम आएगा, और डायनेमिक में हर बार अलग रेस्पॉन्स आ सकता है। अगर डेटाबेस में चेंज हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार अलग ही आए। मान लो 5 मिनट पहले भी शेयर का प्राइस उतना ही था और बाद में भी उतना ही, तो उतना ही दिखाएगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके पास में, जैसे क्रिकेट का स्कोर चलता रहता है, आप देखते रहते हो मैच देखते हैं तो क्रिकेट का स्कोर जो चलता रहता है तो वो चेंज होता रहता है हर एक बॉल पर। स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट इज ओनली चेंज्ड व्हेन समवन पब्लिशेज एंड अपडेट्स द फाइल सेंड्स इट टू द वेब सर्वर। जब प्रोजेक्ट की जो फाइल्स है उनमें अगर कोई चेंज करता है उसको अपडेट करता है तभी उसमें अपडेट होता है स्टैटिक में। डायनेमिक में पेज कंटेंट सर्वर साइड कोड विच अलाउ द सर्वर टू जनरेट द यूनिक कंटेंट व्हेन द पेज इज लोडेड। तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज होता है जैसे डेटाबेस में चेंज होगा, इसमें हमें कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है डायनेमिक में। स्टैटिक में फ्लेक्सिबिलिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, और डायनेमिक में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द मेन एडवांटेज ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक में फ्लेक्सिबिलिटी वैसे तो फ्लेक्सिबल नहीं होती है लेकिन एक तरह से ये आसान होती है डेवलप करना, क्योंकि सिर्फ आपको HTML आती है तो आप इसको बना सकते हो, इसमें खर्चा कम आता है, टाइम कम लगता है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्टैटिक वेबसाइट का। ये देखिए GPC डूंगरपुर कॉलेज का वेबसाइट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो आप देखोगे कि ये 6 महीने पहले भी ऐसा ही दिखता था बिल्कुल, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने एड्रेस दिखा रखा है,
डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें से, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, तो इसमें देखिए चेंज कब होगा, डिपार्टमेंट्स में कब चेंज होगा, अगर कोई नया डिपार्टमेंट आ गया हो तब उस डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे, या जैसे स्टूडेंट्स कॉर्नर है इसमें एडमिशन है, एकेडमिक कैलेंडर है, तो कुछ नया चीज़ होगा तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये वेबसाइट ऐसा ही दिखता है, ज़्यादा कुछ खास चेंज इसमें होता नहीं है, और चेंज होता है वो भी काफ़ी लंबे इंटरवल्स के बाद में होता है, इसमें वो मैनुअली करना पड़ता है इसके अंदर प्रोग्रामर को। तो ये स्टैटिक वेबसाइट है, अब हम देखते हैं डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में देखिए ये शेयर मार्केट से रिलेटेड एक वेबसाइट है, इसमें देखिए बीएससी और एनएससी, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें कैसे चेंज हो रही है देखिए वैल्यूज। अब ऊपर देखिए एक 2121 देखिए 2122.25 हो गया, हम देखते रहिए आप इसमें चेंज होता रहेगा। इक्कीस 21.90 हो गया, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों चेंज हो रहे हैं, 21-23 हो गया। अब तो इसमें कोई मैनुअली नहीं कर रहा है, ये डेटाबेस में जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि शेयर कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, मार्केट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये होती है डायनेमिक वेबसाइट्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको। नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।